क्या किया है ये? ओए क्या है ये भाई साहब? को कुछ देर अकेला क्या छोड़ो, ये पूरे कमरे की हालत देखो क्या कर रहे थे। टॉयज दे रखे हैं खेलने के लिए, उनसे नहीं खेलना। मेरे जो काम के पेपर है उन्हीं को फाड़ना है, उन्हीं से खेलना है। कमरे की ऐसी कर रखी है जबकि इसके टॉयज अच्छे खासे ला के रखे हैं। हाँ अब कैमरा खाने आ जा, कैमरा खाने आ जा। तो देख के वैसे मारने का मन नहीं करता लेकिन इसके काम सारे बैठने वाले। फिर उधर जा रहा है, इधर आओ इधर आओ, काम कैसा उड़ाई लेता है। बोला बच्चा उनके बैठे जैसे कुछ किया ना उसने। तो मैं नहीं खेल रहा तेरे साथ, जा। कैसा लग रहा है बाहर, मजा आ रहा है? अब आपके घर में कोई भी छोटा बच्चा हो, चाहे वो जानवर का हो चाहे इंसान का हो, आपको पता है भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी ज़्यादा होती है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करी दी है तो मैं आपको एक कहानी बता देता हूँ। मुझे सुबह उठा देते हैं 5 बजे क्योंकि इनको हमें करवाना होता है फ्रेश, उसके बाद हमारा दिन शुरू होता है। कुछ 1 घंटे बाद आराम से रेस्ट करता हूँ मैं कि हाँ ये कर ले कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कर दे। उसके बाद फिर मैं इसको खाना देता हूँ और फिर खाना देने के बाद जो साफ सोते हैं और जो चीज़ों को उत्सर से उधर करते हैं वो बस मुझे, बाकी पेट पेरेंट्स को और जो इंसान के बच्चे रख रहे हैं उनको बताऊंगा। इंसान के बच्चे वैसे इतने शैतान नहीं होते। साहब बारिश में भी आगे जा रहे हैं, हालत देख रहे हो इनकी। उडेन कहाँ जाना है बेटा, बारिश में घूमोगे आप? हैं गीली गीली होगी, गीली गीली होगी, जुकाम लग जाएगा आपको, जुकाम। सारे काम बढ़ाते जा तू मेरे, कुछ ना करूँ बस तेरे को संभालते जाऊँ। अभी मसाज दे रहे हो साहब, 500 रुपये हो गए। अरे साहब 500 रुपये हो गए। एक चींटी से बहुत ज़्यादा खेलता है, जहाँ पे चींटी दिख जाए उछल के उसकी मूवमेंट्स कैप्चर करता है। इसी के साथ आज की कहानी की शुरुआत करते हैं एक व्लॉग के साथ। एंड आई नो बहुत टाइम से व्लॉग नहीं है, 1.5 महीने से मैंने व्लॉग नहीं किया है। जनता भैया परेशान थी, वीडियोस डाली हैं, व्लॉग्स नहीं थे वो। साथ ही साथ नोटिस करने वाली बात यह है कि कैमरा मेरा जो A7 III है, मेरा भैया ट्रस्टवर्दी कैमरा वापस आ चुका है, तो अब शूट्स में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इसको लेकर मैं कभी भी जैसे भी चाहूँ वैसे शूट कर सकता हूँ एंड विदाउट एनी लैग्स अब वीडियोस रेगुलर डालने की कोशिश पूरी करूँगा। अब ऐसे बड़ी बात बोल दी मैंने, बट या आई ट्राई माई बेस्ट। चलो जी फाइनली फर्स्ट कार्यक्रम तो डन। हट गंदा बच्चा, क्या कर रहा है ये? स्नेक प्लांट खराब कर रहा है मेरा। हट ना, बुरे हाल कर रखे हैं भाई साहब ने, मिट्टी खा ली। देखो जरा इसकी शक्ल देखो। हाँ क्या आप भोली शक्ल क्यों बना रखी है, बताओ मिट्टी खाई है? ये ऐसा बदमाश है, इसके साथ थोड़ा ना ध्यान से रहना पड़ता है वरना ये चीजें इधर से उधर कब कर दे आपको पता भी नहीं चलेगा। बाय द वे जस्ट डिड माय स्क्रब एंड माय स्किन फील सो स्मूथ। बहुत टाइम से इतने सारे डेड स्किन मेरी स्किन पे फोरहेड पे आ चुके थे, मैंने ध्यान ही नहीं दिया था और अभी 1 वीक हो गया है उसके बाद मैंने जाके स्क्रब किया। मैं आपको रिकमेंड करूंगा उतना ही करना। आ गया आ गया आ गया, अभी ब्लॉक कर रहा हूँ ना, ब्लॉक करो ना। चलो जी इसे मेरे साथ खेलना है, बेचारे के दांत आ रहे हैं इसलिए बाइट करता है। वैसे ये बेचारा बहुत प्यारा है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, अग्रेसिव वगैरह नहीं है, बस प्लेफुल ज़्यादा है ये और नज़र ना लगे। टच वुड। ओडिन की सोने की जगह आपको दिखाऊं तो ये वाला इसका जो क्रेट है ना उसके ऊपर लियो कर का मैंने अपना यू नो लेबल डाल दिया क्योंकि मार्केटिंग ज़रूरी है। ये पूरी क्रेट वैसे इससे पहले इतनी आधी इस तरफ की दे रखी थी, अब ये पूरी क्रेट इसको दे दिया ताकि आराम से सो पाए। नीचे कुशन बिछा रखा है और टॉवल, रुक जा बेटा रुक जा, नीचे टॉवल है, यहाँ पे इसका पानी रहता है। अभी मैंने इसके स्टैंडिंग बाउल्स मंगवाए हैं। स्टैंडिंग बाउल्स में क्या रहता है कि ये कुत्ते ना थोड़ा मतलब सीधा होकर खा पाते हैं, अभी ये जैसे झुक के खाता है तो इसके बोन में स्पाइन के स्ट्रक्चर में फ़र्क आ सकता है, पोस्चर में फ़र्क आ सकता है बाद में जाके। तो मैंने उसके लिए अभी एक मंगवाया, वो मैं आपको आगे वाले ब्लॉग्स में ज़रूर दिखाऊंगा। क्यों परेशान हो रहा है, ऊपर नहीं आना आपको? नो नो, बेड पे तो बिल्कुल भी नहीं आना। दूसरा बच्चा, ये छोड़ दो बच्चा, ये शैतान बच्चा किसका है? शैतान बच्चा, ये शैतान बच्चा। हाँ हाँ हाँ, नीचे तरना है। हार्नेस पहन के भाई साहब कुछ कहाँ गया, इस तरीके के दिखते हैं ये, थोड़ी सी लुक इसकी सुधर सी जाती है। ऑल दो अभी तो इसके कपड़े भी डिज़ाइन करवाने हैं मैंने, भैया फैशन ब्लॉगर घर में आया है फ्रेंची, इसको पता नहीं है क्या क्या अभी इसके साथ होने वाला है, क्या क्या ये पहनने वाला है। बस थोड़ा सा बड़ा हो जाए, अभी तो छोटू सा पप्पी है ये, 4 मंथ्स का भी पूरा नहीं हुआ है, तो धीरे धीरे करके इसको हम वीडियोज़ में भी लाना शुरू करेंगे। देखो इसके पॉज भी कितने प्यारे से पिंक कलर के हैं। और एक गज़ब की बात बताऊँ, ये शांत हमेशा तब बैठता है या तो इसको जब खाना मिलता है या बोन या चूज स्टिक, तो अभी इसके पास बोन है, चबाता जाएगा जब तक ये बोर नहीं होता, उसके बाद छोड़ देगा, फिर कुछ और तबाही मचाएगा। भाई साहब को कोई जगह पसंद नहीं आ रही तो मेरी गोदी में आके बैठ गए हैं।
अब हो चुका है भाई साहब के खाने का टाइम, तो ये इसको खाना हम देते हैं फिलहाल। ये है रॉयल कैनिन और एक और फीड मिक्स है आई थिंक कैनाइन क्रीक करके। अभी देखो कैसे उछलेगा। ओ तेरी डोज़ टांगों पे शिटी शिटी हो जाए शिटी। चलो खा लो खा लो। गुड बॉय। पिछली वीडियो में जिसमें मैंने बोला था कि आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में कि आपके पास कौन कौन से पेट्स हैं, काफ़ी लोगों ने अपने पेट के नाम बताए, उनकी ब्रीड बताई, ये बताया कि कब से वो पाल रहे हैं। एंड यहीं पर एक बात आ जाती है कि मैं जो इसको फीड दे रहा हूँ अभी वो रॉयल कैनिन है। रॉयल कैनिन मेरे को लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट फीड्स हैं जो अवेलेबल है मार्केट में। अभी उसकी शॉर्टेज भी चल रही है। तो अब अगर आपको अपने डॉग को शो क्वालिटी पप टाइप का बनाना होता है ना, तो आपको ये वाली फीड देना ज़रूरी है। घर का खाना आई नो बहुत सारे लोग देते हैं, वो सोचते हैं सस्ता पड़ता है, बट मैंने पूरा हिसाब लगाया तो ऑलमोस्ट 10-20 रुपये का फ़र्क आ रहा था पूरे महीने का। तो मेरे को ज़्यादा कुछ लगा नहीं, मैं सोचा कि ये इजी भी है, 2 मिनट में डाला पानी में, इसको थोड़ी देर रखा और दे दिया। इससे इजी कुछ हो नहीं सकता। कौन खाना प्रिपेयर करेगा, मैं अपना खुद नहीं करता हूँ यार। अब जिन लोगों ने पिछली बार कमेंट किया था अपने पेट के नाम के साथ, मुझे बताना कि आप लोग क्या खिलाते हो, कौन सी फीड खिलाते हो, घर का खाना खिलाते हो या क्या, मतलब प्रॉपर डाइट चार्ट आपका बना हुआ है आपके डॉग का, क्योंकि इनकी जो केयर है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से करनी पड़ती है। और मुझे आज भी याद है जब ये आया था ना, छोटू सा था और बिल्कुल इसका मतलब शरीर बहुत ज़्यादा पतला था। अभी मुझे इसको मैं 4 टाइम खाना खिलाता हूँ, तब जाके इसका प्रॉपर थोड़ा सा शेप आई है वापस। बट या इसको थोड़ा सा और बढ़िया करेंगे, छोटू मोटू को थोड़ा छोटा है ना, तो शायद इस तरह से भी हो रहा हो। बाय द वे जस्ट अ लिटिल हेयर अपडेट। अब जैसे कि पहले, एक सेकंड मैं ये ज़रा बंद करूँ, जैसे पहले आप देखते थे कि ना मैं पीछे मैन बन बना नहीं पा रहा था, बट अभी पीछे की तरफ हल्का सा ये बन आ चुका है। अभी भी प्रॉपर नहीं है, जो साइड के बाल हैं वो इतने लंबे ग्रो नहीं हुए हैं, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं वो बाहर आ जाते हैं काउलिक्स करके। स्टिल आई एम ग्रोइंग देम लॉन्ग एंड या थोड़ा थोड़ा अपने गोल के करीब धीरे धीरे करके आते जा रहे हैं। आई थिंक 2 to 3 months और उसके बाद एक अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। इसी का तो वेट है, इसी के तो पैसे हैं सारे। और अपनी कुछ रीसेंट वीडियोस में मैंने ये नोटिस किया है कि कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि हॉल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, व्लॉग्स लेके आओ। तो मुझे कमेंट करके क्या तुम लोग बता सकते हो कि एक्चुअली में किस में ज़्यादा मज़ा आता है, क्या तुम लोग देखना चाहते हो, क्या दोनों का बैलेंस होना चाहिए या व्लॉग ज़्यादा होने चाहिए, हॉल ज़्यादा होने चाहिए। कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि ये चैनल एक तरह से मेरे फ़न के लिए है, मुझे मज़ा आता है करने में, इसलिए मैं करता हूँ। हॉल्स एक ऐसा पार्ट बन चुका है मेरी लाइफ का जो मुझे दिखाने में एक्चुअली में मज़ा आता है। समथिंग दैट इज़ रियली हेल्पफुल फॉर यू गाइज एज वेल, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि क्या लेना है क्या नहीं। एंड आ जाओ तू ऊपर आ जाओ। व्लॉग्स एक ऐसा जरिया है जो मुझे अपने आप से मिलवाता है, एक ऐसा चीज़ है जो मुझे आगे बढ़ने में हेल्प करती है, क्रिएटिविटी मेरी एक तरह से एक्सपैंड करने में हेल्प करती है। एंड मेरे को जो लगता है कभी कभी कि एक तरीके का कॉन्टेंट बन रहा है बोरिंग वाला, वो उसको हटाने के लिए हेल्प करती है। हाँ जी। सिट सिट गुड बॉय। देखो ये बैठना जानता है। अब आपको और चीज़ें दिखाता हूँ कि मैंने क्या क्या करवाई है। ये इसकी एक छोटी सी ट्रीट है, इसको हम जिरहाए बोलते हैं। जिरहाए एक तरह से ये मतलब समझ लो मुझे जिसने दिलवाई थी, प्रीत ने, मेरे फ्रेंड ने, उसने कहा था कुत्तों की अफीम होते, तो ध्यान से इसको दियो, ज़्यादा मत दियो। तो इतनी सी थोड़ी थोड़ी दे रहे हैं हम, मतलब ये पूरी स्टेक एक दिन में दे दो कोई दिक्कत नहीं है, बट बहुत ज़्यादा रेगुलरली नहीं देनी होती है। तो स्टे ओडेन स्टे, अभी समझ लो ये 4 महीने का भी नहीं है। एंड आई हैव टॉट हिम दिस विच मीन्स ये स्टे करता है। ओडेन गुड बॉय देखा कैसे स्टे करता है, बहुत प्यारा बच्चा, बहुत समझदार बच्चा है। सिट गुड बॉय ओडेन गुड बॉय। इसका नाम बुलाओ ना तो उसको सुनना चाहिए ताकि पता रहे कि एसी का नाम है, किसी और को नहीं बुला रहे हैं। गुड बॉय बच्ची है, समझदार बच्ची है। दिस इज हाउ लेडीज एंड जेंटलमैन यू टीच योर डॉग हाउ टू बी वेल बिहेव्ड एंड मैनर्ड। क्यों भाई वेल बिहेव्ड है ये बच्ची? बिल्कुल भी वेल बिहेव्ड नहीं है, बट हाँ फिर भी जितना हो सकता है अपनी तरफ से मैं तो कर रहा हूँ। क्या चाहिए भाई साहब आपको? भाई साहब क्या चाहिए भाई साहब? छोटू सा तेरा मुँह है, तू काटेगा भी तो किसको क्या फ़र्क पड़ेगा? है भाई काटेगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा? देखो उसके दांत देखो छोटे से हैं, ले काट ले, ले काट ले, क्या कर लेगा काट का तू? है तेरे काटने बहुत चोटें लग रही हैं हमें, भाई बहुत चोटें लग रही हैं हमें। ऐ नो तेरा हाथ गंदा कर देता, बार 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 धोना पड़ता है मुझे। हट। एक बात और है, जो इसका कलर है ना और जो फ्लोर का कलर है कभी कभी मिल जाता है, तो मुझे लगता है कि मैट बिछी पड़ी है और इसकी वजह से मैंने ये जो इसको हारनेस से ये पहना रखे ताकि डिफरेंशिएट हो पाए और इसको कोई बेचारे को पिचका ना दे। हैं भाई पिचकी पिचकी ना हो जाए इसकी, पिचकी पिचकी ना हो जाए, सेम सेम कलर से है ना भाई। चले नीचे आ जाओ। डरपो की बच्ची नहीं बन ना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इस बेचारे से नीचे नहीं जाया जाता, ऊपर थोड़ा बहुत आ जाता है पर नीचे जाने से जब भी ऐसा करता तो इस तरीके से करता है। आ जा अच्छा आ जा मैंने पकड़ लेना आ जा। अच्छा यहाँ पे मैं रुका हूँ, ये रहा रहे यही रही 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 आ जा। अरे कहीं नहीं जा रहा मैं, आ जा बाज बहुत जंपी हो गई आ जा नीचे ले जाएंगे आपको, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। अच्छा आ गई 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 मेरी टोटू जी वाह बेचारा आया। बस 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 भाई साहब को अब थोड़ी देर नीचे छोड़ के आए हैं ताकि वो फैमिली वालों के साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड करें। पूरा टाइम मेरे पास मत रहे हैं, ठीक है, और मतलब मेरे को भी काम करने से थोड़ा सा मेरा। बाय द वे मैंने अभी एक चीज़ नोटिस करी, आई डोंट नो अगर आपको ये दिख रहा है नहीं, बट यहाँ पर ना ढेर सारे बाल है मेरे। एक सेकेंड थोड़ा सा आइए, सब काम करके दिखाता हूँ। ये सारे मेरे बाल झड़े हुए हैं, विच मीन्स कि हेयर फॉल इज इंक्रीजिंग। देखो जब भी आप हेयर ग्रो कर रहे हो ना, आपको लगेगा कि बाल ज़्यादा गिर रहे हैं, और वो सच बात है, खास करके अगर मानसून का टाइम हो तो उसमें हेयर फॉल होना ही होना है। बहुत सारे रीजंस होते हैं, मैं वो डिस्कस नहीं कर रहा यहाँ पे। अपना जो हेयर केयर रूटीन है प्लीज़ भाई लोग उसको फॉलो ज़रूर करना। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने मंगवाए हैं, लेकिन आगे आने वाली वीडियोज़ में ना मैं कवर करूँगा और आप लोगों को बताऊँगा कि कौन कौन सी चीज़ें अपने बालों में यूज़ कर सकते हो। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि वो वीडियो मिस ना हो। हेयर की हालत की बात करूँ तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने पिछले हॉल में कवर करी थी, ये मैं आपको दिखा चुका हूँ ऑलरेडी। तो अगर आपने नहीं देखा है पिछले ब्लॉग में जाके देख सकते हो। दिस इज़ अ स्टोल जो कि आप कुर्ते के साथ पेयर कर सकते हो। मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी लगी कि मैंने एक और ऑर्डर करी है, एंड ये थोड़ा सा अलग कलर है। दिस इज़ कोबाल्ट ब्लू एंड जस्ट लुक एट दिस, बहुत अमेजिंग कलर है। साथ ही साथ एक ब्रांड शूट है जो वहाँ पर एक शर्ट पड़ी है, उसके बारे में मैं बाद में बात करूँगा। सीधा इंस्टाग्राम पे आपको दिख जाएगी, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया ज़रूर कर लेना। तो ये था आज का व्लॉग, एंड आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। उड़न की बहुत सारी हरकतें, बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपको धीरे धीरे करके दिखाता रहूँगा। व्लॉगिंग थोड़ी सी ना ज़्यादा मेहनत मांगती है, इसलिए रेगुलर नहीं हो पा रही है। बाकी नॉर्मल वीडियोज़ इस चैनल पे भी मैं कंटिन्यू रखूँगा, जो कि यू नो और नॉलेज रिलेटेड होगी या इंफोटेनमेंट होगी, सब कुछ आपके सामने जल्दी से जल्दी आता रहेगा। इस मेहनत के लिए और इस एफर्ट के लिए जल्दी से जल्दी जाके सब्सक्राइब कर दो, 50K के बहुत ज़्यादा करीब है हम। 48.3K जो मैंने लास्ट चेक किया था, इसके बाद शायद और ज़्यादा बढ़ जाए। धीरे धीरे नहीं, जल्दी जल्दी अपने को बढ़ना है, एंड इस साल के एंड तक मेरा जो गोल है 1 लाख सब्सक्राइबर्स का, वो हमें कंप्लीट करना है। तो या सब्सक्राइब एंड जल्दी से जल्दी पहुंचाओ अपने भाई को। इसके साथ आज का व्लॉग खत्म करते हैं, तो टिल द नेक्स्ट टाइम स्टे सेक्सी स्टे स्टाइलिश, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। लियो कोर लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन, बहुत बढ़िया चीज़ है और बहुत बढ़िया सरप्राइजेस आपके लिए आने वाले हैं लियो कोर से रिलेटेड। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।